भाई रात भर से बारिश हो रही है, तो आज हम आए थे मार्केट के लिए। हमें जाना था एटीएम मॉल, बट आप देख सकते हैं सारी मार्केटें बंद है, मॉल भी बंद है, लोकल मार्केटें भी बंद है, और ये देख सकते हैं वेनम मार्केट भी बंद है। तो अब फजूल है कहीं और भी जाना। वैसे तो कहा था मार्केट बंद होगी, लेकिन हमें लगा फिर भी कि क्या पता मॉल खुले हो, पर मॉल भी बंद है। हाँ तो पिज्जा तो आपको बैनर देख हाँ मलिया, ये क्या कर रही डबल टू का क्या मतलब होता है? व्लॉग बनाओ आप, नीचे चल के जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सब बंद हो सकता है, बनानी का घर बंद नहीं हो सकता। हाँ तो वहाँ जा रहे हैं, मॉल जाना था पर अब नहीं जा पाएंगे, शुक्र मॉल चलाने अब कल चले जाए। शुक्र क्यों, शुक्र हाँ मॉल नीचे तुमसे कल चेहरे को नहीं मिलते, नहीं वो जेली बहुत बुरी होती है। नहीं नहीं भाई पापा मना कर रहे बंद है, हड़ताल है, नहीं मिलेगी आज, जाएंगे मार्केट में बंद है।
भाई हम लोग आ चुके हैं बाहर से और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तकरीबन सुबह से बारिश हो रही है, बंद नहीं हुई है। और जैसे हम बाहर निकले तो थोड़ी सी हल्की हो गई। आज पूरा दिन बारिश हुई है, सुबह से हो रही है, जब हम स्कूल के लिए, कल रात से हो रही है वैसे तो, कल स्कूल के लिए सुबह उठे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मैंने बच्चों को कहा थोड़ी देर ठहर जाओ क्योंकि बारिश हो रही है, स्कूल नहीं जाते। लेकिन फिर जब देखा ना कि सब लोग जा रहे हैं तो फिर मैंने कहा चलो भाई हम भी चलते हैं। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैं ज्वेलरी उतारती और अक्सर मैंने देखा है शादी की खातिर को इतनी सारी ज्वेलरी पहनी हुई होती है, मगर मुझसे ना एक भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। बस कुछ भी पहना होता ना तो मुझे बस अच्छा नहीं लगता, फौरन से उतार देती हूँ। तो आज जैसे कि आपकी हड़ताल थी, आज हमें लेने थे कुछ गिफ्ट वगैरह, तो बस गिफ्ट वगैरह लेने से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, जो कि मैं 3-4 दिनों से बोल रही हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रही। मॉल वगैरह बंद थे और ये देखो तो कपड़ों की हालत, ये तो वो तो ऊपर तक है। अच्छा आज तो हालांकि हम लोग गाड़ी में गए थे, बड़ी गाड़ी में गए थे, बाइक पे नहीं गए थे, यानी कि वरना बाइक पे जाते हैं तो आज बाइक पे नहीं गए थे। फिर भी कपड़े इतने बुरे गंदे हुए और ऑटो की इतनी बुरी हालत है ना कि पूछो ही मत, अब तक इतनी बुरी हालत है। अच्छा हुआ बाइक पे नहीं गए, बाइक पे जाओ ना तो यहाँ पे डर लगा रहता है भाई कि कहीं जाके हम गए। हाँ किसी ने मुझे कहा था कि हेयर कट का व्लॉग बनाए, तो हेयर कट तो हम लोग किसका हेयर कट करना है, मुझे हेयर कट करना है कि मेरे अपने हेयर कट करवाने। आप मेरे हेयर देख सकते हो, मेरे हेयर तो है ही नहीं भाई जो मैं इनको कटिंग कराऊं। अगर अब मैं इनको कटिंग कराऊंगी ना तो मेरे पास बचे कुचे जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, तो इसीलिए क्योंकि ना लोग इतनी जो बुरी हालत हो रही है ना, तो ये मेरे अपने करतूतों की वजह से हो रही है, पता है हर ना सॉरी मेरे नहीं मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि हर तीन महीने के बाद वो बोलते हैं कलर करवाओ। हर 3-3 महीने में हमने बालों में अलग अलग किस्म के ना कलर डलवाए, लेकिन लोग कहते हैं कलर करवाने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल सफ़ेद तो नहीं हुए, फिर देख सकते हैं कि एक भी बाल सफ़ेद नहीं है। अलबत्ता बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और ना लंबे भी नहीं होते, अब पहले काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बाल थे लेकिन अब बड़े भी नहीं होते, पहले हो जाते थे हर बार हर चांद रात को मैं बाल कटवाते तो पहले बड़े हो जाते थे, अब बाल बड़े नहीं होते। तो प्लीज़ वो खैर चले जी, अब आप पढ़ो सुनो तो मुझे जवाब दे देना। तो आप लोगों ने देखा बाहर का मौसम, तो आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, खूबसूरत है, सड़कें प्यारी हैं। तो आप बताएं आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो यही था आज का व्लॉग, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।